गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। आज मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई। ये अंडे जो है ना, ये पनीर की शेप में कट किया मैंने इनको, और उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई। ये बहुत टेस्टी बनती है। और इसे कैसे बनाते हैं आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख लीजिए, केयरफुली पूरा देख लीजिए, और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अंडे की पनीर जैसी सब्ज़ी। ये 6 अंडे हैं, 3 प्याज, ये टमाटर हैं 5, करी लीव्स है, तो इनको मैं काट लूँगी। ये प्याज में लंबा लंबा काटूंगी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची छोटा छोटा, तो मैं इसमें 1 डाल रही हूँ क्योंकि 2 डालेंगे तो बहुत तीखा होता है। अब 6 eggs, इसमें पहले नमक 1/2 स्पून में डाल रहे हैं। हरी मिर्ची, आधा स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, ये जस्ट कलर के लिए है, और इसको बीट कीजिए। ये प्याज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इतने 6 अंडों के लिए, मैं क्या करती हूँ इसमें निकाल के रखूँ। एक कप बस हो जाएगा इसके लिए, तो ये मैं यूटिलाइज करूँगी दूसरी वेजिटेबल के लिए। मैंने गैस ऑन किया है, इसमें ये मस्टर्ड ऑयल डाला है 1 स्पून, इसे इसको गर्म करने को रखा। तो सबसे पहले मैं प्याज का 1 कप, फ्लेम फुल किया, इसको थोड़ा सॉटे कर लूँगी। जब तक प्याज सॉटे हो रहे हैं तो मैंने एक दूसरा कढ़ाई इसमें चढ़ा दिया, इसमें भी 1 स्पून ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना कीजिए, रिफाइंड भी कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल वर्जिन ऑयल है
और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं ये टमाटर डालती हूँ, तेल गरम हो गया। मैं ये टमाटर जो है उनको खाली दो हिस्सों में करूँगी। इसमें मैं नमक डालूंगी, आधा चम्मच, आधा स्पून मैंने डाला। और इसको सिम पे, फ्लेम को सिम पे रखा और इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसका जो कवर है ना टमाटर का वो खुद से निकल जाएगा। तो हाथ से मैं रिमूव करूंगी उसको। ऑनियन ब्राउन हो गया, सॉटे हो गया, तो मैं इसमें अब बीट किया हुआ एग डालूंगी। ये करी लीव्स डाल रही हूँ। फ्लेम सिम पे है, ये एक साइड से पक गया है, तो इसको केयरफुली आपको टर्न करना है। दूसरे साइड से भी ये पकना चाहिए। ये बन चुका है, मैं गैस ऑफ करूंगी और ये जो है ना प्लेट, ये लगा के इसको टर्न करूंगी। जैसे पनीर के पीसेस करते हैं ना, वैसे इसको चाकू से करना है। जितने बड़े चाहिए आपको उतना आप कट कीजिए इसको। ये अभी गर्म ही है। देख लीजिए ऐसे पीसेस। अगर आपको इसे छोटे करने हैं तो कट कर सकते हैं। इधर से टमाटरों का हाल देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, जैसे ये कवर निकल गया। मुझे कवर के साथ अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना हाथ बचा के ऐसे ही कवर रिमूव कीजिए। इसी तरह सारे टमाटरों का आप ऊपर से निकाल दीजिए, क्योंकि कवर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने सबका कवर रिमूव किया, इसको मैं डिस्पोज ऑफ करूंगी। और ये सारे टमाटर अगर आपको चाहिए तो आप इसको मिक्सर में प्यूरे बना सकते हैं, तो मैं ऐसे ही करूंगी।
पूरा गल जाएगा। फिफ्टीन मिनट से ये पक रहा है, मैं इसे देखती हूँ। ये अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया। मैं इसमें अब मसाला मिलाती हूँ। वन एंड हाफ कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा, एक स्पून सौंफ पाउडर, आधा स्पून सौंफ पाउडर, आधा स्पून हल्दी, वन फोर्थ है ये, 1/4 गरम मसाला है, घर का पीसा हुआ गरम मसाला। नमक मैंने पहले ही मिला दिया है इसमें। आधा लीटर पानी, इसको एक उबाला देंगे, ढकती हूँ मैं इसको, इसको एक बार उबालेंगे। ग्रेवी उबल रही है, मैं इसमें ये वाले क्यूब्स डाल रही हूँ। जैसे ये पनीर हम बनाते हैं ना, पनीर के पीसेस, वैसे ही एग पीसेस इसमें डाल रहे हैं। इसमें मैंने एग के सारे पीसेस डाल दिए। इसको 10 मिनट उबलने देते हैं ताकि पूरा जो ये है मसालों का फ्लेवर इनमें चला जाए। दस मिनट से ये उबल रहा है, ये अब तैयार हो चुका है। इसके ऊपर में ये धनिया है बारीक कटा हुआ, ये स्प्रिंकल करूँगी। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये अंडे की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।